उम्मीद के मुताबिक आप खुश और मस्त होंगे पढ़ाई में और ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं, ये मैं पता है। और वो पता कैसे चलता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो सैड लग जाता है कि बच्चा किस ट्रैक पर जा रहा है, वो ट्रैक आपका परफेक्ट है और अब हम और परफेक्ट कर रहे हैं सेकंड लेसन को। और आप पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था पोलिनेशन और वो लगभग एंडिंग पर है। आप पता है कि पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मैंने पढ़ लिया था तो बहुत सिंपल एक डेफिनेशन है। जब हमने बात की थी पोलिनेशन तीन तरह का है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जीनोगैमी और एलोगैमी, ये पढ़ चुके। उसके बाद हमने बात की थी एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन और हमने कहा था बायोटिक और ए बायोटिक दो तरह के एजेंट हैं, यानी वे कोई भी एजेंसी जो पोलिनेशन ट्रांसफर करेगी उसको हम बोलते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। और उसमें बायोटिक में एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, सॉरी एनिमल्स आते हैं, और ए बायोटिक में वाटर और विंड आती है। तो हम विंड पोलिनेशन पढ़ चुके जिसे बोलते हैं एनिमोफिली, हम वाटर से पोलिनेशन पढ़ चुके जिसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, और अब हमारा चल रहा था जूफिली, यानी बायोटिक एजेंट्स। और जूफिली में हम पढ़ेंगे अब पोल्यूशन बाय इंसेक्ट। आप पता है जब पोल्यूशन इंसेक्ट से होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। पोल्यूशन बाय इंसेक्ट क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है, ठीक है। और अगर पोल्यूशन बैट से हो तो दैट इज कॉल्ड चिरोप्टेरोफिली, बैट से। अगर बर्ड से हो दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, चींटियों से आंट से हो मिरमेकोफिली, मिरमेकोफिली आंट से होता है। और अगर स्नेल से हो, स्नेल मॉलस्क है, उसे बोलते हैं मेलोकोफिली। और कुछ केसेस में वो हो सकता है स्नेक से, दैट इज कॉल्ड ओफियोफिली। स्नेक को छोड़ के बाकी सब अदालत होता है नेक्टर। जो जूफिली है उसमें जो पोलिनेटर से रिवार्ड मिलता है उसे खाना मिलता है पोलिनेशन के बदले। तो रिवार्ड ऑफ पोलिनेशन क्या है? रिवार्ड ऑफ पोलिनेशन जो है वो नेक्टर है। फिर मैंने कहा था स्नेक नेक्टर नहीं जाता, स्नेक का काम नेक्टर नहीं है, वो तो अपनी टंग को मॉइस्चराइज गीला करने जाता है। और वो बाई चांस है, इट इज़ नॉट ए रेगुलेटर पोलिनेटर, रेगुलर पोलिनेटर नहीं है। अब हम बड़े से जा रहे हैं, हमें पढ़ना है एंटोमोफिली। तो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो बाय इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट से भी पोलिनेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली। अब आप कई बार देखते हो फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट देखा होगा, नहीं आपने चींटियाँ भी देखी होंगी, तो आप लगता है ऐसे ही घूम रही है बटर डस्टी कर रही, उनका पर्पज है, लाइफ का बड़ा पार्ट है। उन्हें पता है कि यही सब नेक्टर मिलेगा, यही सारा पेट भरेगा। और प्लांट को ये पता है कि ये आएंगे नेक्टर लालच में आएंगे, नेक्टर खा के जाएंगे, लेके जाएंगे और उसी वजह से मेरा पोल्यूशन करेंगे। तो प्लांट को फायदा क्या हुआ? उसका पोल्यूशन हो गया। और इंसेक्ट को फायदा क्या हुआ? उसका पेट भर नेक्टर मिल गया। तो रिवार्ड ऑफ पोल्यूशन इंसेक्ट क्या होगा? नेक्टर होगा। अब जिन जो इंसेक्ट पोल्यूशन करते हैं हम उनकी बात करेंगे। बीटल एग्जांपल कौन है ऐसे इंसेक्ट के, हम उसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखिए भंवरा नाम सुना आपने, भंवरे ने खाया फूल, हम उसी की बात कर रहे हैं। बीटल, बीटल भंवरा है, ये पोल्यूशन करता है। बीज हनी बी, हनी बी पोल्यूशन करती है। और हनी बी जो है जनरली वो येलो फ्लावर पर अट्रैक्ट होती है, येलो फ्लावर, इसलिए मस्टर्ड फ्लावर उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। इसलिए जिन एरिया में मस्टर्ड की फार्मिंग होती है, सरसों की खेती होती है, वहाँ पर हनी भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो प्रायोरिटी प्लांट का फ्लावर है हनी भी के लिए वो मस्टर्ड है। कई बार आप देखते हो कि आप मस्टर्ड कपड़े पहने हो मस्टर्ड कलर के, आपके कपड़ों में छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं, तो वो इंसेक्ट धोखे में आ गया
कलर उसने देख लिया था कि मस्टर्ड कलर है, येलोइश कलर है, और इसलिए वो आ गया। आपके कपड़े देखने नहीं आया, तो हमारे कपड़े नहीं देखना आया कि वो देखूँ कौन सी ब्रांडेड कपड़े पहन रखा, खुशबू बदबू क्या आ रही है, ऐसे नहीं आया। वो आया था अपना धोखे में पॉल्यूशन के लिए आया था, उसे पता है नेक्टर मिलता है, और धोखा हो गया। हनी भी है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई है, वास्ट तथियाँ हैं, वास्ट है, वास्ट बीस मक्खियाँ हैं, बीस, और मौत है, एंड मौत, मौत बटरफ्लाई जैसी होती है, एक थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद तब करेंगे हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में फाइलम, आप तो पढ़ो, मैं बताऊंगा मैं बटरफ्लाई और मौत में डिफरेंस कैसे कर पाओगे और कैसे पहचान पाओगे। फिलहाल ये मोस्ट कॉमन पोल्ट्री इंसेक्ट हैं, अभी इसमें आंट्स नहीं लिखा है, एंड आंट्स भी है, चिड़ियाँ, ये सारे इंसेक्ट पॉल्यूशन करते हैं। तो क्लियर हो गया कि पोल्ट्री इंसेक्ट कौन कौन से हैं, दीज आर द कॉमन पोल्ट्री इंसेक्ट। अब जो एंटोमोफिलस प्लांट हैं, फ्लावर हैं, जिनमें एंटोफिली होती है, उनमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं, तो मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एंटोमोफिलस प्लांट्स, इनमें एंटोफिली होगी। देखिए एंटोफिली होगी तो उसमें नंबर वन क्या है, जो फ्लावर है वो ब्लूम होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फ्लावर शुड बी लार्ज, फ्लावर शुड बी लार्ज, एक तो ये है लार्ज। और अगर छोटे फ्लावर हैं तो क्लस्टर बना, ग्रुप बना के रहते हैं, इसमें इफ फ्लावर स्मॉल, अगर फ्लावर छोटा है, इफ फ्लावर स्मॉल, फाउंड इन क्लस्टर, फाउंड इन क्लस्टर ग्रुप में होते हैं, तो बड़ा है तो कोई बात ही नहीं, अगर छोटे हैं तो ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में इंसेक्ट आते रहते हैं और पॉलिनेशन करते रहते हैं, एक तो ये। दूसरा, ये प्लांट नेक्टर जरूर बनाते हैं, और नेक्टर बनाने के लिए ग्लैंड नेक्ट्रीज कहलाती हैं, तो इनमें नेक्ट्रीज होती हैं और उनसे नेक्टर बनता है और प्रोड्यूस नेक्टर, क्या बनाएंगे, नेक्टर बनाएंगे, ये नेक्टर बनाएंगे, और नेक्ट्री वजह से ही इंसेक्ट प्लांट तक जाता है। जो फ्लावर की स्मेल है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट होने के बाद उसके आने का मकसद नेक्टर को सक करना है, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, चिपचिपा होते हैं, अगर स्टिक नहीं होंगे तो इंसेक्ट बॉडी के साथ नहीं चिपकेंगे। ये एनिमोफिली में जब विंड से होता है तो पोलन ग्रेन जो है वो ड्राई और नॉन स्टिकी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्टिकी होते हैं और इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाते हैं। तो अभी तक हम बात किस कर रहे हैं, जिन प्लांट में इंसेक्ट से पॉल्यूशन होगा उनमें कौन कौन से मेन फीचर होंगे, फ्लावर खुला हुआ होगा, और दूसरा क्या होगा, ग्रुप में होंगे, अगर छोटे तो ग्रुप में होंगे, उस क्लस्टर बोलते हैं, नेक्टर जरूर बनाते हैं, और पोलन ग्रेन्स उनके स्टिकी होते हैं, और लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, बड़ी संख्या में बनते हैं। हाइस्ट नंबर तो बनता है एनिमोफिली, सबसे ज़्यादा पोलन ग्रेन वो प्लांट बनाते हैं जिनमें विंड से पॉल्यूशन होता है, और सेकेंड नंबर पर जिनमें इंसेक्ट से होता है। अगर सेल्फ पॉल्यूशन होता है तो नंबर पोलन ग्रेन का बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये सब बात हम किसी कर रहे हैं, एंडोफिली की कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इनके फ्लावर जो हैं, फ्लावर्स आर कलर्ड, मैंने बताया था इंसेक्ट विजन कलर्ड होता है और उसी की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर्स आर कलर्ड अट्रैक्टिव एंड सेंटिव, खुशबूदार होते हैं, ठीक है, खुशबू जो होती है उनमें फ्रेग्रेंस होती है और दूर तक फैलती है, इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि इंसेक्ट हैव द की एबिलिटी फॉर द स्मेल। आप कई बार देखते हो कि कोई
फ्लाई घर में नहीं है, जब आपने गुरुड़ फैला दिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएंगी, वो स्मेल से गाइड होकर वहाँ तक पहुँचती है। तो ऐसे जो फ्लावर की स्मेल है उसका आपके लिए और हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, उसे प्लांट ने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। और फ्लावर डिफरेंट सुंदर सुंदर कलर के होते हैं, वो कलर भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रहा था कि मैं भूल ना जाऊँ, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर रात में खिलते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स का कलर हमेशा वाइट होता है। याद रखे, रात में खिलने वाले जितने फ्लावर हैं, चाहे रात की रानी हो या कोई और हो, वो वाइट कलर का ही होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सारे इंसेक्ट डायर्नल हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे हनी भी हो, बीटल हो, ये सब दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में सो जाते हैं। हम करते ऐसे होता है, तो डायर्नल मतलब होता है जो दिन में एक्टिव रात में रेस्ट करता है। अब जिन प्लांट का फ्लावर रात में खिला हुआ है उन्हें तो कोई ऐसा इंसेक्ट चाहिए जो रात में एक्टिव होता है दिन में सोता हो, और ऐसा इंसेक्ट मौत है जो नाइट ब्लूमिंग है। मौत बटरफ्लाई इसलिए होती है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर का पोल्यूशन करने वाला इंसेक्ट मौत है। हर इंसेक्ट पोल्यूशन नहीं करता, हर इंसेक्ट नेक्टर नहीं कर सकता, जैसे मच्छर रात में एक्टिव रहते हैं पर उनका पोल्यूशन को लेना नहीं है, वो उस चक्कर में नहीं पड़ते, उनका काम वो नहीं है। हाँ, मौत नेक्टर सकिंग इंसेक्ट है और इट इज नॉक्टर्नल, रात में एक्टिव होने वाला है। एक बड़ा पॉइंट पता चला, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर वाइट होते हैं और नाइट ब्लूमिंग फ्लावर का पॉल्यूशन करने वाला एक इंसेक्ट है, कॉमन इंसेक्ट, नाम है मॉथ। ठीक है, बटरफ्लाई जैसे। तो अब हम ये बात कर रहे हैं, कलर होंगे, अट्रैक्ट चैंपियन होंगे, पोलन गेम बनेगा, पोलन स्टिक होंगे, बड़े होंगे, और पोलन गेम के डिजाइन के अकॉर्डिंग, इंसेक्ट का बॉडी के अकॉर्डिंग ही फ्लावर डिजाइनिंग होती है। यानी नेचर ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जिस इंसेक्ट को अंदर जाना है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को डेवलप किया है, इंसेक्ट का फ्लावर को डिजाइन किया, फ्लावर को डिजाइन किया हुआ है ताकि इंसेक्ट को नेक्टर तक करने तक जाने में कोई दिक्कत ना हो, और उसी बीच पोलन बीन उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर पर जाता है, वहाँ पर कुछ चिपक कुछ छूट जाते हैं और पोलेशन हो जाता है। अब कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनमें पोलेशन इससे होता है? इंसेक्ट, तो मैं क्या एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कॉमन एग्जाम्पल कुछ एंटीमोफिलस प्लांट के एग्जाम्पल आप जान लें कौन कौन है। हालांकि जो एंजस प्लांट हैं उनमें क्रॉस पोल्यूशन में, एंजस प्लांट में क्रॉस पोल्यूशन में इंसेक्ट का बड़ा रोल है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मस्टर्ड है, सरसों है, मस्टर्ड आपका रोज प्लांट है, रोज प्लांट में भी इसमें होता है, सनफ्लावर है, सनफ्लावर, लोटस है, लोटस भले एक्वेटिक प्लांट हो, कमल का फूल, ये पानी से ऊपर रहता है और इसमें पॉल्यूशन इंसेक्ट से होता है। साल्विया है, साल्विया, साल्विया, इन सब में पॉल्यूशन किससे होता है? इंसेक्ट से होता है, दे आर कॉमन इंसेक्ट होता है। अब मैं रोज फ्लावर की बात मैं कर दी है, सनफ्लावर कर दी है, और जो आपका कौन है, मैरीगोल्ड है, तो मैरीगोल्ड है, तो गुड़हल है, सॉरी इसका जो भी हिंदी समझ में याद है मुझे, मैरीगोल्ड जो है गेंदा, उसमें भी इंसेक्ट से होता है। वो फ्लावर छोटे हैं पर ग्रुप में हैं, जो आप मैरीगोल्ड के फ्लावर की बात करते हो वो ग्रुप ऑफ फ्लावर है, वो उसका पूरा इन्फ्लुएंस है, और उसमें इंसेक्ट आ जाके नेक्टर ले लेता है और पॉल्यूशन कर देता है। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, एंटोमोफिलिक, और ऑर्थोफिलिक हम जानते हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो हमिंग बर्ड है, तो छोटी बर्ड है, अब इतनी बड़ी कोई ईगल पिगल जाके करेगा, तो बहुत छोटी बर्ड होती है जो नेक्टर करती हैं, और उनकी बीक
लंबी होती है, बीक लंबी होती है, और इन बर्ड्स जिनमें बर्ड से पॉलिनेशन होता है उनमें नेक्टर अमाउंट ज़्यादा बनता है, जिन्हें बैट से होता है उनमें नेक्टर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बर्ड्स और बैट वाले प्लांट में जो नेक्टर है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हमारा हुआ पोलिनेशन। देखिए कितने नेचर में कितना सब कुछ चलता रहता है और हम पता नहीं चलता कि ये सब साइक्लिक है और करोड़ों साल चला रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर चला रहा है ऐसे प्रोसेस, यानी इतना सिस्टमटाइज किया हुआ है कि प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहता है। तो इंसेक्ट और प्लांट की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है। इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा, प्लांट उसे नेक्टर देगा। ये मिलजुल खेल रहे हैं बहुत बहुत सालों से, खेलते रहेंगे। अब हम अगले टॉपिक की बात करें, मुझे लगता है ये पॉलिनेशन क्वेश्चन कई बार पाँच नंबर में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल सारे लर्न करने हैं, जो इनकी स्पेसिफिसिटीज हैं उनको याद करना है, एनोफिल में क्या करेक्टर होंगे और जो एंडोफिलिस में क्या करेक्टर होंगे, हाइड्रोफिल में क्या मेन करेक्टर है पोलन गेन का, जिसमें बताया था म्यूचुअलिस कवरिंग होता है, वो थोड़ा फ्लैट होता ताकि वो फ्लोट कर सके, फ्लोट करने के लिए उनको सर्फेस थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा टॉपिक है म्यूचुअलिज्म ऑफ पॉलिनेशन, म्यूचुअलिज्म ऑफ पॉलिनेशन। देखिए म्यूचुअलिज्म एक रिलेशन है और ऐसा रिलेशन जिसमें हम कह सकते हैं मेरे बिना तूने तेरे बिना मैंने, ऐसा रिलेशन जिसमें दो स्पीसीज दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उनकी लाइफ एक दूसरे के बिना पूरी नहीं हो सकती। अगर उनमें से एक खत्म हो जाए दूसरा भी खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। तो म्यूचुअलिज्म जान लो पहले, वो रिलेशन जिसमें दो स्पीशीज के मेंबर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे बिना लाइफ कोई पॉसिबल नहीं है। अब पॉलिनेशन में क्या म्यूचुअलिज्म आ गई, म्यूचुअलिज्म ये है, देखिए देयर आर सो मेनी इंसेक्ट हूज फूड इज ऑल इन नेक्टर, जिनका खान नेक्टर है, हनी भी नेक्टर नहीं खाएगी, बटरफ्लाई कुछ नहीं खाएगी, मौत नेक्टर लगा कुछ नहीं सक करेगी, और नेक्टर कौन देगा, प्लांट देगा। तो इंसेक्ट लाइफ प्लांट डिपेंड हो गई फॉर नेक्टर, और प्लांट लाइफ डिपेंड इंसेक्ट पर है कि उसका पॉलिनेशन करेंगे, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फ्रूट और सीड नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो लाइफ आगे कंटिन्यू कैसे हो, यानी फॉर देयर लाइफ प्लांट एंड इंसेक्ट डिपेंड्स टू ईच अदर, एक डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है अगर हम सारे इंसेक्ट खत्म कर देंगे तो किसकी लाइफ कम होगी, ए एनिमल, बी प्लांट्स, सी नन ऑफ दीज, और डी फोर एनिमल्स एंड प्लांट। तो आपने सही पकड़ लिया, यहाँ आपका जवाब मिल रहा है बोर एनिमल्स एंड प्लांट, भाई एनिमल तो हो ही रही है इसलिए इंसेक्ट खत्म हो रहे हैं, और उनसे कंसर्निंग जो प्लांट हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए दोनों में दोस्ती बरकरार है। यहाँ पे एक और मैं क्लियर कर दूँ, देखिए जो म्यूचुअलिज्म होती है उसमें दोनों पार्टनर का इवोल्यूशन जब भी कभी होगा साथ साथ हुआ होगा, जब वो प्लांट बना हो तब वो इंसेक्ट बना होगा, डिपेंड कैसे होते नहीं, इसे बोलते हैं को इवोल्यूशन। तो वे कोई भी स्पीसीज वे कोई भी मेंबर विच टेक पार्ट इन म्यूचुअलिज्म दे ओरिजिनेट टुगेदर एंड इट इज कॉल्ड को इवोल्यूशन, और जिनका को इवोल्यूशन हुआ है उनका को एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, अगर एक खत्म कर दो आप दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा
वो नहीं रहेगा, उस लाइफ आगे नहीं चलेगी। तो अब क्लियर हुआ म्यूचुअल पॉलिसी मतलब होता है इंसेक्ट जब पॉलिसी करते हैं दे गेट रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। अब वो नेक्टर उनके लिए खाना है, उसके बिना उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो चौची नहीं खाएंगे, इसलिए वो हमेशा फूड के ऊपर मंडराते रहते हैं। फ्लावरिंग सीजन में इंसेक्ट नंबर इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, और तो प्लांट और इंसेक्ट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और कई प्लांट तो फ्लावर में ऐसी जगह बनाते हैं कि देख पार्टनर तू आ जा, और मैंने तो जगह बनाई हुई है तू एग नहीं कर ले, अंडे दे ले अपने आप, तो उसे खाना दिया, अंडे भी दिए, अंडे उसे स्पेस भी दिया, और क्या चीज मौत और यक्का प्लांट, मौत और यक्का प्लांट एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ पूरी नहीं कर सकते। मौत यक्का प्लांट के ओवरी के लोक्यूल में, ओवरी के चैम्बर में एग लेइंग करती है, अंडे देती है सदियों से, और वो अंडे वहीं डेवलप करते रहते हैं जिस टाइम सीड फॉर्म स्टार्ट होती है, उस टाइम डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है मौत के एग्स का, और फिर वो निकल के बाहर उड़ जाते हैं। ऐसे ही यक्का, सॉरी, ऐसे ही मौत अमोर्फोफेलस, एक प्लांट का नाम अमोर्फोफेलस, और बड़ी बात यह है कि इस प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर लगने का जो अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन अमोर्फोफेलस, लार्जेस्ट फ्लावर। सिमरन आप ध्यान सुन लें, आपका क्वेश्चन था ये, हालांकि मैं रिप्लाई कर चुका आपको, जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो रैपिसिया का है, लेकिन लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस अमोर्फोफेलस का है। और इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए ब्रांच, जिसको हम पेडंकिल बोलते हैं, पेडंकिल, जिस ब्रांच फ्लावर लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा पेडंकिल, सबसे बड़ा इन्फ्लोरेसेंस अमोर्फोफेलस में है, और उस इन्फ्लोरेसेंस में मौत भी, मौत जाके अगले यक्का क्लियर हो गया कि म्यूचुअल का मतलब होता है दो स्पीशीज के मेंबर एक दूसरे काम करें और उनके लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड। तो पॉलिशन तो म्यूचुअल इसलिए शो करता है कि इंसेक्ट और वो डिपेंड है दूसरे पर। इंसेक्ट रिवार्ड मिला है किसका? इंसेक्ट रिवार्ड किसका मिला? नेक्टर का मिला, और प्लांट को उसके बदले क्या मिला? पॉलिशन हो गया, लाइफ आगे चल रही है। कभी कोई धोखा हो जाए, धोखा सब जगह है, और आप सीरियस ना हो, हम धोखे की बात प्लांट के लिए कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट आते हैं जो माँ को चाट गए, नेक्टर सक्कर गए, और पोलन के लेके नहीं गए, दे आर कॉल्ड रोबर्स ऑफ पोलिनेशन। उन्हें रोबर्स ऑफ नेक्टर बोल सकते हो, रोबर्स ऑफ पोलिनेशन बोल सकते हो, लुटेरे हैं वो। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कई बार प्लांट के साथ कि नेक्टर कोई ले गया, और जब आया कोई दूसरा इंसेक्ट तो वहाँ नेक्टर खाई नहीं, और उसने कहा मैं क्यों हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों जाके अपना खाना खाऊंगा। तो रोबर्स ऑफ नेक्टर भी हो सकते हैं, वो उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में किसी वजह से वो पॉलिनेशन नहीं कर पा रहा है, नेक्टर सब उसने कर लिया है लेकिन वो पोलन ग्रेन लेकर नहीं जा रहा है। एवा म्यूचुअलिंग ऑफ पॉलिनेशन, जिस क्लियर यक्का का और मौत का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इन दोनों लाइफ से बिल्कुल भी दूसरे बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यक्का के ओवरी के लोक्यूल में मौत एग्लेइंग करती है, और उसी एग्लेइंग के साथ साथ वो उसका पॉल्यूशन करती है। तो नेक्टर मिल रहा है, जगह मिल रही है, और उसके बदले क्या किया जा रहा है? पॉल्यूशन किया जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल्स। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
फॉर्म पिस्टन डायरेक्शन। हमारे एक बच्चे का सजेशन भी था कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल पे ही वीडियो कई बार देखते हैं, उसकी स्क्रीन तो पता ही आप बहुत छोटी होती है। उनका सजेशन था मैं कुछ वर्ड बड़े बनाऊँ ताकि और उनको क्लियरेंसी हो जाए। आज आप नोट कर रहे होंगे मेरे वर्ड बड़े हैं, तो वो ये तो है, अच्छे सजेशन को हम हमेशा एंटरटेन करेंगे। अगर सजेशन अच्छा है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, मुझे हो ना आपको फ़ायदा होना चाहिए, तो आई विल एंटरटेन दैट, क्योंकि ये क्लास आपके लिए जो दिल्ली पुलिस आपके साथ होती थी, लेकिन हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन दोस्ती। अब देखिए पोलन गेंद को सभी स्पीशीज बनते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट उन सब में पोलन गेंद बनते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन में पोलन गेंद उसी स्पीशीज के फ्लावर पर ट्रांसफर होता है। अब ध्यान सुने, इंसेक्ट जो है अभी मस्टर्ड प्लांट में बैठा हुआ था, और वहीं पर जो रेडिश है मूली उसका फूल खिला हुआ था, और वो मस्टर्ड से होके उसके ऊपर जा बैठा। मस्टर्ड के पोलन गेंद उसने रेडिश के ऊपर फ्लावर छोड़ दी, क्या पोलिनेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टिग्मा केवल अपने ही पोलन गेंद के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो उसकी खुद की स्थिति पोलन गेंद है, वो जो न्यूट्रिशन बनाया उसने वो उसी के काम आता है, उसी के काम आता है। और जो स्टिग्मेटिक सिक्रीशन है, जो उसने सिक्रीशन बना रखा है स्टिग्मा के ऊपर, वो तभी बनेगा जब ओवरी में ओव्यूल में एग बन चुका है। तो अगर किसी स्टिग्मा के ऊपर आपको एक वाटरी विस्कस फ्लूइड दिखाई पड़ रहा है, उसे बोलते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। और ये सिक्रीशन अपनी स्पीशीज के पोलन गेंद के लिए होता है, और स्पीशीज ऑफ पोलन गेंद आ सकता है एयर से आ गया या कोई इंसेक्ट ले आया, लेकिन वहां पर उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन मतलब होता है कि स्टिग्मा केवल अपनी स्पीशीज पोलन गेंद के लिए रिसेप्टिव है, जो खुद की स्पीशीज का पोलन गेंद है उसके लिए रिसेप्टिव है, जो दूसरी स्तर प्रोटीन स्पीशल प्रोटीन आ गया वो उसके लिए रिसेप्टिव नहीं है। इट इज कॉल्ड पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन ये है जो पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन है इसमें एक्टिव रोल किसका है? पोलन गेंद का, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन का, बोथ दोनों का, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसी का है? बोले क्या जवाब हो? तो मैं बताऊं आपका जवाब बोथ है, ज्यादा बच्चे जवाब बोथ है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है, बोथ नहीं है। जो पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन है उसमें एक्टिव रोल स्टिग्मा का है, उसने जो सिक्रीशन बनाया है वो उसी स्पीशीज पोलन गेंद के लिए रिसेप्टिव है, वो किसी और के काम नहीं आएगा, किसी और के पोलन गेंद को जनरेट नहीं करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए क्या क्लियर हुआ? जो सिक्रीशन बनाया स्टिग्मा ने वही इंट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं पोलन गेंद उसी स्पीशीज आएगा, कोई भी आ सकता है, हवा से आ गया, इंसेक्ट से आ गया, वो तो आ सकता है, लेकिन जो स्टिग्मा है उसका सिक्रीशन केवल अपनी स्पीशीज को प्रमोट करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके जनरेशन कराता है। अब क्या हुआ, जो डेफिनेशन क्या हुआ इसकी, पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन डेफिनेशन क्या है? स्टिग्मा ऑफ ए स्पीसीज इज रिसेप्टिव फॉर द पोलन गेंद ऑफ इट्स ऑन स्पीसीज, इफ द पोलन गेंद ऑफ अदर स्पीसीज रीच टू द स्टिग्मा इट कैन नॉट डेवलप पोलन ट्यूब और फर्दर जर्मिनेशन उसका नहीं होगा। ये पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन है, और इस इंट्रैक्शन की वजह से जो स्पीशीज की जो अपनी
आइडेंटिटी है वो बनी रहती है। अगर किसी का आके करता रहता तो फिर तो पता नहीं अब तक क्या हंगामा चुका होता। कोई प्लांट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना होता, मूली गाजर के साथ, उसका उसके साथ, ना ना ऐसी बात नहीं करेंगे, ये तो कौन किसी साथ हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। तो यानी अपनी सिर्फ पड़ेंगे अपनी स्टिग्मा पर जाकर ही रिसेप्टिव होता है, वहाँ जाकर वो अपना जर्मिनेशन करके पॉलिनेशन बना के फर्टिलेशन करा सकता है। अब हम एक छोटे टॉपिक में बार बार कह रहा हूँ, छोटा टॉपिक है लेकिन एक नवंबर में बोर्ड में आ सकते हैं और कॉम्पिटिशन में भी नीट में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब हमने पहले क्या जाना, म्यूचुअल ऑफ पॉलिनेशन, दूसरा में क्या जाना, पोलन पिस्टल इन्फेक्शन। वो क्लियर हो गया आपको कि जैसे आप ये मान लो कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और आप सब घर में हो, पापा है, आपने कहा पापा आ जाओ, उनको रोकेगा, आपको कोई अनजान आदमी आप घर का नहीं है वो अंदर आ रहा है, तो सारे घर में एकदम हल्ला मच जाए, कौन है बाहर जाओ, भगाओ उसे, क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर नहीं है। तो जैसे हमारे इंट्रैक्शन हमारे फैमिली मेंबर से है, ऐसे स्टिग्मा इंट्रैक्शन अपनी स्पीशीज के पोलिनेशन से ही होता है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूँ और वो है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी ये क्या है, यहाँ थोड़ा उल्टा है, तो उल्टा है। हम इंट्रैक्शन बात कर रहे थे, हमने क्या बात की, इंट्रैक्शन बात की, इंट्रैक्शन के जो स्टिग्मा है वो अपनी स्पीशीज के पोलिनेशन के लिए रिसेप्टिव है, ठीक है, वो तो बात सही है। लेकिन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है, एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसमें स्टैमेन भी है, उसमें पिस्टिल भी है, स्टैमेन बनाए पोलिनेशंस बन गए और पिस्टल बनाया क्या, पिस्टल बनाए एग बनाया, ठीक है। अब अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर आ गया और स्टिग्मा ना नहीं तू नहीं कोई और होना चाहिए, यानी घर का माल पसंद नहीं आ रहा है। जब किसी फ्लावर में किसी स्पीसीज में उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता, कॉम्पेटाइल नहीं होता, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने खुद की फ्लावर की स्टिग्मा को के रिसेप्टिव नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको, हम इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा के लिए रिसेप्टिव नहीं होता लेकिन दूसरे प्लांट उसी स्पीड दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर रिसेप्टिव हो जाता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो अपने घर में नहीं कोई पूछ रहा है लेकिन पड़ोस घर में उसे पूछा जाएगा और कहेगा तो अच्छा आगे। इसका मतलब क्या है, जो पोल सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है ये सेल्फ पोलिनेशन रोकती है, इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, वो अपने फ्लावर को अपने स्टिग्मा को रिसेप्ट नहीं हो पा कर पा रहा है, वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो यानी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी प्रमोट टू द क्रॉस पोलिनेशन। तो ऐसा होता है, हम अपनों को कई बार प्रायोरिटी नहीं देते और जो पड़ोसी हैं उनको खूब प्रायोरिटी देते हैं, उन साथ घूमते फिरते हैं और घर के काम करें तो गुस्सा आता है कि मैं ही क्यों। तो ऐसा होता है, प्लांट भी वैसा हो रहा है कि पोलन ग्रेन जो है वो अपने खुद के फ्लावर के स्टिग्मा के लिए अनजाना है और दूसरे प्लांट उसी स्पीसी के लिए फ्लावर के लिए वो एक मेहमान है, इम्पोर्टेंट है, उसको दावत दी जा रही है। अब जो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी है ये जेनेटिकली कंट्रोल करैक्टर है, जेनेटिकली कंट्रोल करैक्टर, जेनेटिकली इसमें मजबूत और स्टिग्मा भी है, जेनेटिकली कंट्रोल करैक्टर, जीन की वजह से ऐसा होता है, ये जो जीन उसके जीन है उसकी वजह से ऐसा होता है। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होती है,
जो जीन सेल्फ इम्पॉर्मेबिलिटी के लिए होती है, इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है, आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और जहाँ डीएनए वहाँ जीन होती हैं। जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का है उसमें वो जीन मौजूद है जिसकी वजह सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन बना, इसका फायदा नुकसान, फायदा नुकसान। आप लोग रहोगा कितनी बदतमीज है, आपने कुछ छोड़ दिया पड़ोसी के तो एक्सेप्ट कर लिया। इसका फायदा ये है कि इससे जो क्रॉस पोलेशन हो रहा है उससे चांस बढ़ जाएंगे हाई बैड एडिशन के, उससे हाइब्रिड प्लांट अगर चांस बढ़ जाएंगे, होमोजाइगोसिटी घटेगी। आपको पता है कि जितना सेल पोल्यूशन होता है उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और होमोजाइगस प्लांट आर इन्फीरियर देन द हेट्रोजाइगस प्लांट। तो इसका मतलब है टू प्रमोट द हेट्रोजाइगोसिटी। ये हुआ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें अपनी स्पीसीज का, अपने फ्लावर का पोलन गेन खुद की स्टिग्मा के लिए रिसेप्टिव नहीं होता, वो उसको फर्टाइल नहीं कराती, वो उसको जर्मिनेशन नहीं कराती, पर उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट पर जाकर वो रिसेप्टिव हो जाता है। तब ये हो गया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब हम और बात करें, देखिए अगला पार्ट क्या है, इसका बात है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट, डिवाइसेस ये क्या है? देखिए ऐसी स्ट्रक्चर जो फ्लावर बायसेप्स होने के बावजूद भी सेल पोलिनेशन को प्रिवेंट करके रोकती है, उसे बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे? आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलेंगे। तो अगर बायसेप्स फ्लावर में कोई ऐसा फिनोमेना अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से सेल पोलिनेशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस, ब्रीडिंग डिवाइसेस। पोलन गेन बन रहा है उसी फ्लावर में और वहाँ पर स्टिग्मा भी है और फिर भी सेल पोलिनेशन नहीं हो रहा है, इसी कारण से उसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से कारण की वजह से नहीं हो रहा है, वो आउटब्रीडिंग डिवाइस है। ठीक है भाई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन होगा होगा, लेकिन अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर में इसको रोका जा रहा है, इसको प्रिवेंट किया जा रहा है, वो तो सिंपल सा क्लियर हो गया, उसका तो कारण होमोजाइगोसिटी रोकना और जो हेटेरोजाइगोसिटी है उसे बढ़ाना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्लियर हुआ कि फ्लावर की ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसी फिनोमिना जिसकी वजह से बायसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी उसमें सेल पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, उन्हें बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब वो कौन कौन से? सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें है, जो हम बात करेंगे, पहला है कि फ्लावर बायसेक्सुअल है, लेकिन एंथर और जो पिस्टिल है उनका डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पर हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है। तो पहला क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड पिस्टिल इज एट डिफरेंट टाइम, इज डिफरेंट टाइम, अलग टाइम पे हो रहा है। ठीक है, जिस टाइम एंथर था बना बन डेवलप हुआ उस टाइम पिस्टिल नहीं था, और जब पिस्टिल बना तो एंथर खत्म हो चुका है, तो फिर तो मिलन होने का ही। तो जब बायसेक्सुअल फ्लावर में अलग टाइम पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलप होते हैं, उसकी वजह से सेल पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, ये क्या हो रहा है, ये सेल पोलिनेशन रोक रहा है और क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट कर रहा है। जो मैंने अभी कहा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऑलवेज प्रमोट टू द क्रॉस ब्रीडिंग एंड चेक टू द सेल पोलिनेशन, वो क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट करते हैं और जो सेल पोलिनेशन है उसे रोकते हैं। ठीक है, एक तो ये होगा कि डेवलपमेंट जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज साथ साथ नहीं है,
हम ये बोल सकते हैं, जब लैंग्वेज ऐसी बोल सकती है कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपिस्टन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, यानी साथ साथ नहीं है, आगे पीछे, जब एक है दूसरा नहीं है, जब दूसरा आया तो पहला जा चुका था। एक तो रीजन ये है, ये आउटलियर्स पर में काम करता है। दूसरा है हेटरोस्टाइली, हेटरोस्टाइली ये क्या है? देखिए, अगर एंथर और स्टिमा, यानी स्टैमिन और स्टिमा की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, पोजीशन हमेशा याद रखो, अगर एंथर छोटा है और स्टिमा ऊपर है तो कभी भी तो सेल पोलिस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि वो अपना आप जाएगा नहीं पोलन गेन। अगर ये स्टिमा है और ये एंथर है तो ऐसे ही जाएगा, हमेशा सेल पोलिशन होना है। तो एंथर तो ऊपर तरफ होता है और स्टिमा नीचे तरफ होती है, और जब डिस्पर्सल होता है, बर्स्ट होता है एंथर, तो पोलन गेन बिखर जाते हैं। तो हेटरोस्टोम तो होता है स्टिग्मा एंड एंथर आर एट डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट पोजिशन की है, और डिफरेंट पोजिशन की है तो ऐसा होगा। अगर डिफरेंट पोजिशन है तो ऐसा होगा, क्या कह रहे हो आपको? तो डिफरेंट पोजिशन होने पर ऐसा होगा, क्योंकि फिर वो क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, सेल्फ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और भी डिवाइसेज जो है वो सेल्फ पोलिनेशन रोकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। तो दो क्लियर हो गए आपको, एक क्या हुआ, एक तो हुआ कि डेवलपमेंट एंथर पिस्टिल इज एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने का। और अगर हेटरोस्टाइली है, यानी एंथर और स्टिग्मा की पोजिशन अलग है, छोटी बड़ी है, वो एक सिमेट्री है, तो भी सेल पोलिशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिशन होगा। अब हम आगे की बात, नेक्स्ट और क्या क्या है, नेक्स्ट है अब मैं डाइकोगैमी, तो आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ डाइकोगैमी मतलब क्या है। अभी मैंने कहा है पहला पॉइंट मैंने कहा है कि प्लांट में जो बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन अगर अलग टाइम पे डेवलप हो रहा है उसे हम डाइकोगैमी बोलते हैं। मैं उस टर्म मैंने बता दी है, अगर पहले पॉइंट मैंने लिखा था आपको दैट उसके टर्म हम यूज करते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या हुआ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और दूसरा स्टिमा डेवलपमेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में होता है, दैट डाइकोगैमी, दो सेट्स अलग टाइम पर बनना, तो याद रहेगा डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी जब पहला पॉइंट में लिखा था, दूसरे क्या लिखा हमने, हेटरोस्टाइली, कि उनकी पोजीशन अलग अलग है। अब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ आपको, हर्कोगैमी, नंबर थर्ड हुआ हर्कोगैमी ये क्या है। देखिए हर्कोगैमी मतलब क्या है, हर्कोगैमी मतलब होता है अमरीशपुरी। अब तो मुझे पता नहीं कौन सा विलन ज़्यादा हिट है, लेकिन हमारे टाइम में तो अमरीशपुरी बहुत हिट थे, हर फिल्म में जो तो विलन होता था वो अमरीशपुरी होते थे, और उनका मेन था कि हीरो और हीरोइन को मिलने से रोका जाए। आपको ये अमरीशपुरी कहाँ से आ गए, जैसे फिल्मों में अमरीशपुरी हीरो और हीरोइन के बीच में दीवार थे उनको मिलन देते थे, ऐसे ही अगर फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर के बीच में, बिटवीन स्टिग्मा एंड एंथर, इधर स्टिग्मा इधर एंथर है और बीच में कोई दीवार खड़ी हो जाए, उनके बीच में कोई पार्टीशन हो जाए, वो हर्कोगैमी है। वेन एन आउटग्रोथ इज डेवलप बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा द कंडीशन इज कॉल्ड हर्कोगैमी। अब उसकी वजह से अगर दीवार यहाँ इधर एंथर है इधर स्टिग्मा की दीवार हो गई तो अब अपने आप जा ही सकता हूँ, तो सेल पोलिशन नहीं होगा, क्रॉस पोलिशन होगा। और इसको आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हो, अगर आपको प्लांट मिल जाए, बहुत कॉमन है,
ओ प्लांट, आंखें का प्लांट, उसका फ्लावर वाइट सा होता है। आप सुनते हो ना कि भाई आंखें का जो इसका जो दूध है, लेटेक्स है, वो आँख को टच ना हो जाए, आँख रोशनी चली जाए, उसी प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस प्लांट का जो फ्लावर है वो पर्पिस वाइट होता है। अगर आप खोल के देखोगे, उसके पैटर्न खोल के देखोगे, आपको दिखाई देगा कि वास्तु दीवार खड़ी कर रखी है, बीच में इधर स्टिग्मा, इधर एंथर है, और बीच में आउटग्रोथ खड़ी हुई है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हर्पोगैमी। क्लियर हो गया? तो डाइकोगैमी मतलब होगा दो सेक्स का टाइम डेवलप होना। हर्पोगैमी मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा बीच में आउटग्रोथ बन जाना, और एग्जाम्पल कौन हुआ, ओ प्लांट हो गया। और हमें पता है कि जो पोलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन है वो भी इसका एक कारण है, वो भी दैट आल्सो एक्ट एज आउटग्रोइंग डिवाइसेस, सॉरी इसको हम जो इसका है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये भी क्या करती है, ये भी क्रॉस पोलन सपोर्ट करती है। क्योंकि आप पता ही पढ़ा पढ़ा आपने कि उसी स्पीड पोलन की एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूसरा करेगी, तो उसी फ्लावर का पोलन भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूसरे फ्लावर का करेगी, दूसरी इस प्लांट के फ्लावर का, तो इससे भी क्रॉस पोलेशन हो गया। जो यूनिसेक्सुअल प्लांट से फ्लावर है उनमें तो क्रॉस पोलेशन होता होता है कि वो आउट डिवाइस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि विच कैन प्रिवेंट द सेल्फ पोलेशन, तो उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी एग्जाम्पल था, पर वो आउट डिवाइस बात नहीं कर रहा है कि वहाँ तो एक फ्लावर में एक ही सेक्स है, वहाँ तो क्रॉस पोलेशन होना ही होना है। लेकिन और भी डिवाइस बॉड तब अप्लाई होता है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है और फिर भी किसी वजह से उसमें सेल्फ पोलेशन नहीं हो रहा है, जो वजह वही आउट बिन डिवाइसेस है, डाइकोगैमी, हर्पोगैमी, हेटरोस्टाइगी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसके चार मेजर एग्जाम्पल, दीज आर फोर मेजर एग्जाम्पल जिनकी वजह से आउट बिन डिवाइसेस फॉर्म में काम कर रही हैं और सेल्फ पोलेशन नहीं हो रहा है। आई होप आज क्लास में पहले पढ़ा था एंटीमोफिली, इंसेक्ट से पोल्यूशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, कौन कौन से इंसेक्ट पोल्यूशन करते हैं, उसका रिवॉर्ड में क्या मिलता है, और उसके बाद हम पढ़ा पोलन, फिर हमने पढ़ा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्या पढ़ा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और फिर पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और उम्मीद है कि आप लोगों को सीक्वेंस साथ लेक्चर के साथ, मैं बार बार आगे पीछे नहीं करना, अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आगे पीछे नहीं करना है, उस पर लेक्चर फिर लिखा हुआ है, लेक्चर फर्स्ट देखने के बाद सेकंड पे जाओगे तो आप आएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट पहले लेक्चर से जुड़े होते हैं, अगर आपको पहले क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत आ सकती है। तो अगर किसी वजह से आपकी लाइव क्लास मिस होती है तो टेंशन की बात नहीं है, फिर आप सीधे YouTube वहाँ पर आप उन लेक्चर को फॉलो करेंगे कि आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे मैनेजमेंट कर सकते हो, आगे पीछे देख सकते हो, बार बार